हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका अमृता किचन विद फन में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आटे के बिस्किट। तो चलिए शुरू करते हैं। आटे के बिस्किट के लिए सबसे पहले हमने यहाँ लिया 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप रवा और 1 कप हम यहाँ लेंगे मैदा। यहाँ पर हमें 1 कप मैदा भी लेना है। हमने मैदा ले लिया, उसमें हमने थोड़े से बादाम डाले हैं जिसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, और थोड़े से काजू और तिल्ली डाली है जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और 2 चम्मच आपको यहाँ रिफाइंड ऑयल डालना है, आप चाहें तो घी भी डाल सकती हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर लिए आधा कटोरी दूध लिया है, उसमें 1 चम्मच आपको शक्कर डालनी है और उसे मिलाना है। यहाँ पर हमें शक्कर पूरी तरह से मिलाना नहीं है, बस थोड़ा सा घोल के डाल देना है। जब साजी शक्कर रहेगी तो बीच बीच में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर आपको अलग से थोड़ा सा मिठास चाहिए, आप चाहते हैं आपके जो आटे के बिस्किट हैं थोड़े ज़्यादा मीठे लगे, तो आप उसमें पिसी हुई शक्कर ऐड कर सकते हैं। लगभग आप 2 चम्मच उसमें पिसी हुई शक्कर ऐड कर लीजिए। और डो तैयार करेंगे तो डो के लिए सबसे पहले आप इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर दीजिए। आप यहाँ पर फिर से मैं बोल देती हूँ कि आप यहाँ घी भी ऐड कर सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। उसके बाद में आप दूध से डो तैयार कीजिए, और ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा थोड़ा ही दूध इसमें यूज़ करें, नहीं तो आपका जो डो है टाइट या ढीला कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने अच्छा टाइट आटा तैयार कर लिया है, उसे 10 मिनट ढककर रख दिया था जिससे वो बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो उसके बाद हम इसकी फटाफट से लोइयां बनाकर तैयार कर लेते हैं। सभी की हमने फटाफट से लोइयां तैयार करना है, बड़ी बड़ी लोइयां तैयार करना है, क्योंकि हम एक साथ बहुत सारे बिस्किट को यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाइए और लोइयां बनाकर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारी लगभग 4 लोइयाँ तैयार हो गई हैं। तो चलिए फटाफट से बेलना स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप देख लीजिए बहुत ध्यान से कि कितना मोटा बेला है। यहाँ पर हमने ज़्यादा पतला भी नहीं बेला है और ना ही ज़्यादा मोटा। आप चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं, पर वैसे तो आप ज़्यादा पतला ना बेलें तो अच्छा है, और ना ही ज़्यादा मोटा। उसके बाद में हमें आप जिस साइज का चाहें उस साइज का ले सकते हैं, गिलास कटोरी जिससे आप काटना चाहें। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गिलसिया होती है ना, वो ले लिए, और उससे हमने गोल गोल अपने बिस्किट कटिंग कर कर तैयार कर लिए हैं। और जो एक्स्ट्रा है उसे हम हटा देते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर उसी गिलास से इसमें डिज़ाइन कर देते। एक बात और मैं बता दूँ, अगर आपके पास गोल डिज़ाइन बनाने के लिए नहीं है, बहुत से बोलेंगे अरे यार हमारे पास गोल नहीं है, तो जो कटर होता है या चाकू होता है तो आप उससे, ज़रूरी नहीं है गोल, इसे आप चौकोर भी काट सकते हैं। बहुत ही इजी है, जैसे हम शक्कर पारे बनाते हैं घर में वैसे भी काट सकते हैं। तो लीजिए हमने सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर हमने रख दी है इंडक्शन पर कढ़ाई, उसमें हमने डाला है रिफाइंड ऑयल, और कढ़ाई हो गई है हमारी गरम। ध्यान रखिए मीडियम फ्लेम, जितनी कम हो वैसे तो उस पर हम तल लेंगे, क्योंकि जितना कम पे तलेंगे ना ये धीरे धीरे, तो उतने ही ये क्रंची बनकर तैयार होते हैं। अगर हम हाई फ्लेम पर इसे तलेंगे तो ये फटाफट से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो ऑयल है ज़्यादा हीट ना हो। तो यहाँ पर हमने तेल को लगभग मीडियम तैयार कर लिया, उसमें हमने अपने बिस्किट तलकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है इनको देखकर। तैयार हो गए हैं तलकर, तो चलिए इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है निकाल देते हैं, और ऐसे ही हम सारे अपने बिस्किट तलकर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए हमने सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर लिए और फटाफट से ये बन गए।